Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is CM Vlogs and So guys, हम लोग आज जा रहे हैं दार्जिलिंग एंड क्योंकि ग्रेसी का बर्थडे आ रहा है एंड उसके लिए मुझे सूट बनवाना है एंड कुछ काम है तो लेट्स गो. ये बोल रही है कि ये खुद को जू से लेके इधर आया है. नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मैंने तुझे जू से उठा कर लाया है. ये देख, तू वहाँ पर बन मानूस था और मैंने तुझे यहाँ पर लेकर मानूस बना दिया. ओ अच्छा, ठीक है, समझ गया. बन मानूस था तू. एनीवेज गाइज, तो हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग आज एंड आज का वीडियो वही होगा. तो लेट्स सी क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है. तो आई हाउ ग्रीसू, अभी हम लोग स्टूडियो जाएंगे पहले तो, क्योंकि लाइक बहुत सारा तो वही करेंगे गाइज. सी यू इन अ वाइल गाइज. ओके सो गाइज, हम लोग निकल चुके हैं. लाइक हम लोग ब्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि इट वॉज लाइक क्या बोलेंगे, मैं थोड़ा लेट हो गया तो बहुत जल्दी जल्दी करके निकलना पड़ गया. डोंट शो दैट. हु इज दिस प्रीटी गर्ल? और आंटी कैसा फील हो रहा है? टॉप पर दुख रहा है, बहुत हो रहा है, हेडेक हो रहा है आंटी को. ओके तो यहाँ पर लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर है. लाइक बहुत ही रिफ्रेश्ड हो चुका हूँ मैं उधर ऊपर आके. लाइक गर्मी ही नहीं है तो आई एम वेरी हैप्पी. हम जा रहे हैं मेरा हम लोगों का यहाँ पर ब्लॉक कर रहा है और मैं भी कर रहा हूँ. सेम सेम होगा, बट डिफरेंट, बट मैं अलग अलग. ओके गाइस, तो ऊपर चल के मिलेंगे. प्लीज बाबा, प्लीज गाइस, यहाँ पर अब इसको देना पड़ेगा. लाइक साइड का सीट, विंडो सीट इसको देना पड़ेगा, पर मैं नहीं देने वाला हूँ क्योंकि क्योंकि मैं बैठूंगा. कौन है तू वहाँ पर बैठने वाला? गाइस देखो, ये सब होता है डोमेस्टिक वायलेंस. हाँ, क्यों बैठेगा वहाँ पर? ऐसा होता है, देश देखो यहाँ देखो कैसे देखता है भाई हम लोग को. लोग ऐसे करके गाड़ी से भी करके देख रहे हैं भाइयों बनने दे देगा. ओके सो गाइस, हम लोग पहुंच गए दार्जिलिंग एंड हमसे मिलने ये आई है. हमसे मिलने नहीं, मैंने बुलाया है इसको. आज हम लोग इसके ही घर में रहेंगे और हम लोग का एक काम हो गया. अभी दूसरा काम बाकी है, वो है मेरा सूट बनाने के लिए देना पड़ेगा अभी मुझे जाके ऊपर. For Gracie's birthday, सूट बनाएंगे, इसके बाद मिलेंगे. Waiting for Master Ji. और ऐसा लग तो भाई रवू बसी रहे थे ग्रेसी, तेरे से बसा ना फिरी, वैसे ही बैठो जैसे तुम बैठी थी. आज सैटरडे है ना, तो ये क्यों बेंच डे की तरह आई है? क्योंकि ये जापान से आई है ना सीधा. क्या हुआ ये सब? सो गाइस, वी आर वेटिंग फॉर मास्टर जी बिकॉज़ मास्टर जी ही नहीं है और मैं हमेशा ही कोट वगैरह जिसका भी बर्थडे आता है इधर ही बनाते हैं. नहीं पहला कौन गाइस, ये एडवोकेट है. कुछ भी मामला हो तो मुझे कॉन्टेक्ट करना इंस्टाग्राम में. हाँ, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मेरा दोस्त एडवोकेट बन चुकी है अभी. आईडी दिखा दूँ? आईडी दिखा दूँ भाई? प्रॉब्लम हो तो आप गाइस हमसे वो मत मोड लेना. अभी जोरेम यहाँ पर कपड़ा ला रहा है, डिजाइन दे रहा है, अपना कस्टमाइज कर रहा है. तो जोरेम जब भी सूट वगैरह बनाता है यहीं पर ही बनाता है. अब मुसिलगुडी लानु पर्छ नि त्यो.
फिटिंग बनाई दिनु ल यो पाली चाहिँ हामी यहाँ टेलर कमाइ रहेछौं कि न भने यहाँ चाहिँ जोडिन्छ उसको अलिकति कपड ओके सो गाइस हम लोग का हो गया है लाइक दे दिया है मेजरमेंट वगैरह अभी हम लोग जा रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट की दार्जिलिंग आए और ग्रेसी ऐसे ना चले और ब्लैक एंड व्हाइट ना जाए तो वो तो हो ही नहीं सकता और खाना बने को बर्थडे गर्ल ऐसा है इसको ठंड नहीं लगता है I'm tired of waiting, guys. So guys, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला इसका शॉपिंग बिना ये घर नहीं पहुँचेगी इसका शॉपिंग हो गया है ये लो आप उतना खाओ This is my favorite part, guys. Food. अभी इसको शॉपिंग करने यहाँ पर मैं ले जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए. अच्छा ओके क्या करेंगे ऐसा बोलेगा ना तो लाइक सच में लाइक एनीवेज गाइस तो अभी हम लोग अनीशा के घर जा रहे हैं अनीशा नीचे चली गई है और हम लोग भी नीचे जा रहे हैं तो गाइस ग्रेसी का फेवरेट दुकान क्लोज्ड हाउ डू यू फील ग्रेसी तापा हाउ डू यू फील उसी के लिए ही आई थी दार्जिलिंग एंड द वेदर गाइस दिस इज आवर ब्यूटीफुल होम टाउन दार्जिलिंग तीन दिन के बाद इतना अच्छा लग रहा है गाइस इतना ठंडा ठंडा वेदर में घूमने का ही मजा कुछ और है गाइस सिलगुड़ी में इतना गर्मी होता है पर सिलगुड़ी भी अच्छा ही है मेरे लिए तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं जांगजुंग जांगजुंग क्या को गाइस ओ गाइस जांगजुंग भित्र टोइलेट गर्नुपर्छ छ र मेरो यो अवस्था भइरहेको छ अहिलेघरि बसिरहेको छु यहाँ सो गाइज हम लोग खाना अभी खा रहे है तो गाइज देखो यहाँ पर सो में तीन जोड़ी मोजा पर मिल रहा है बेसी का फेवरेट ये लोग कितना किनता है ये लोग कितना किनता है कि सॉक्स फिर भी इन लोगों के पास नहीं होता है मुझे बहुत पसंद है सॉक्स पर ठेकन में नहीं रखता है 100 रुपीस में तीन जोड़ी गाइस फेवरेट ग्रेसी का फेवरेट दुकान और गाइस डू यू गेट देजा वू बहुत खाता था मैं ऐसा वाला मिठाई और आज भी खाऊंगा और ये हम जब छोटे होते थे ना तब खाते थे बहुत खाते थे दार्जिलिंग आते थे तब यही खाते थे सो गाइज मेरा और ग्रेसी थापा का लव स्टोरी इधर से ही शुरू हुआ था और आंटी भी थी उस टाइम ये मेरे साथ उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट करती थी ये कैफे डालो में हम लोग ने खाना खाया था और हम लोग का शूट के टाइम पे वहाँ पर खाना खाया था गाइज एंड ये इसको पापड़ पसंद नहीं था और पापड़ मुझे पसंद था तो ये बोल रही थी ये पापड़ कौन खाएगा बोल के फिर मैं खाऊंगा बोला फिर इसने एक ही बार में दे दिया मुझे वो पापड़ और मैंने खा लिया और ये और मैं ऐसे अपोजिट में बैठे थे और हम लोगों का आंख आंख में वो बातें हो रहा था आंटी 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 भी थी सामने तो गाइस दैट इज हाउ इट इज सो आई विल टेल यू हाउ आवर लव स्टोरी स्टार्टेड तो मैं आप लोगों को सब कुछ आज बताऊंगा क्योंकि अनीशा के घर में ही हम लोग का लव स्टोरी स्टार्ट हुआ था तो आई विल टेल यू गाइज एवरीथिंग तो गाइज आंटी आपको याद आ रहा है कुछ हाँ बहुत कुछ याद आ रहा है हम लोग के शूट में आंटी आई थी और यही रस्ते से हम लोग गए थे अनीशा के घर सब लोग हम हाँ तो बहुत बार जा चुके हैं आंटी हमारे साथ आई है ये सेकेंड टाइम हम लोग साथ में आए इस ये वाले रास्ते में ग्रेसी मेरे बैग में ऐसे करके लटका था मैं उसको चार वर्ष बनी आंटी चार वर्ष के बाद आंटी आ रही है वापस ये उकालो में ऐसे करके ताना था वेलकम क्या होना चाहिए वेलकम बैक तो गाइस हम लोग ना ऐसे ही लाइक चलते थे यहाँ पर और हमारा खुट्टा बहुत
और मेरा उस टाइम पे ना ये पूरा चला गया था, ये चीन हील्स लगाए थे ना, और ग्रेसी ने मेरा गाँव निकाल दिया था उस टाइम पे, मजबूर निकाल ले चीन से है ना। और मैंने वैसलीन भी खरीदा था, वो वैसलीन लगाया था, तूने लगाया था ना, मैंने लगाना नहीं था, मैंने पर लगाया था, इसे लगा दिया ना थोड़ा, नहीं लगाया। हम लोग बहुत शर्माते थे, वो करते थे, हम लोग बहुत शर्माते थे। तो गाइस मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा नीचे जाके। गाइस वी हैव रीच्ड, ओए ओए अनिशा का घर पहुंच गया। सो गाइस प्लीज कम, उधर पर सोने के लिए बोल रहा है। तो गाइस हम लोग का लव स्टोरी इधर पर ही शुरू हुआ था। यहाँ पर हम लोग बैठे थे, मैं फोर्दिन और ग्रेसी, मैं फोर्दिन और अनिशा, और इधर पर सोया था, हम लोग इधर सोए थे सूट के टाइम पे, और हम लोग का स्टार्ट इधर से हुआ था, इसीलिए बहुत यादगार है। ओके गाइस तो हम लोग पहुंच गए हैं अनिशा के घर। क्यों अगड़ी बढ़ खींच, हाय गाइस ये मेरा घर है, और ये मेरा दोस्त है, जय श्री राम। तो गाइस इधर से शुरू हुआ था हम लोग का, मैंने ये बार कितने बार बोल चुका हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ मैं। हाँ, इन लोगों का लव स्टोरी यहाँ पे शुरू हुआ था, फर्स्ट शूटिंग के टाइम पे यहाँ पे आए थे, तो इन लोगों का सीजन हो रहा था, सीजन वैसा भी सीजन नहीं पर हम लोग का ऐसा नजर नजर वाला। और मैं आंटी भी आई थी उस टाइम पे, पर आंटी को अतो पतो नहीं थी उस टाइम पे। और तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, उस टाइम पे मेरा गर्लफ्रेंड था, दूसरे बेड में मैं और ग्रेसी थे, और दूसरे बेड में ये और उसका फ्रेंड था, पर रात भर वो फोन पर बात कर रहे थे अपने गर्लफ्रेंड के साथ, और तुम सब सुना तो उसको क्या, बस वो शर्म ही नहीं मान रहा था, हम लोगों के साथ साथ ही बैठा था तो फोन पर ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो क्या बोली हम, कपड़ा चेंज कर लो भी बोल रहा था। हाँ, क्योंकि कपड़ा तो चेंज करना पड़ेगा ना, वो काम से आई थी। और गाइस देखो ये कितना मेरा सब बातें सुन रही थी, क्या हुआ, जलन हुआ तुमको, क्यों होगा मुझे, हुआ नहीं मुझे, क्यों, इसलिए तू कल सुबह तू गेम खेल रहा था लड़कों के साथ, वो तो मैं पहले से ही खेलती थी, नहीं तूने बोला ना, वो फिर भी मैं पहले से ही खेलती थी लड़कों के साथ गेम, और मैं मेरा सिंगल थी ना, मैं जिसके साथ भी मैं गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रही थी, तो कर रहा था, तो ये बोल रही है इसने ना किसी दोस्त को BGMI खेलने के लिए, BGMI खेलने के लिए बुलाया था, फिर मुझे दिखाते दिखाते बात इतना जोर जोर से बात करता करता खेल रहा था ये, कपड़ा दो हमको। और गाइज हॉरर स्टोरी आज सुनाएंगे अनिशा का, और हम लोग का भी आज सुनाएंगे एक्सपीरियंस। आजकल हम लोग बहुत ज्यादा हॉरर वीडियोस देखते हैं, आजकल हम तो हॉरर वीडियोस ही देखते हैं, हम लोग तो हॉरर मूवीज ही देखते हैं ना, ग्रेसी और मैं हॉरर सिर्फ हॉरर देखते हैं। थोड़ी देर में मिलेंगे, पहले कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे, फिर बोलेंगे। एक बात मुझे याद आया, क्या बोलो तो तुमने बोला था ना, इसने मुझे बोला था कि सब लोग नीचे चला जाता था, फिर ये वो वाले रूम में बैठती थी, फिर ये बोलती थी अगर वो आया तो, हाँ एक टाइम वही बोल रहा हूँ मैं, अगर जोरम आया तो ही लाइक्स मी टाइप ये सोचती थी, फिर मैं आ जाता था बेकार में सिर्फ ऐसे पूछने के लिए। तू बहाने ढूंढ रहा था मेरे साथ बात करने के लिए, और इतना जल्दी उठ गया था उस पर, तुम से तो देरी उठी थी क्योंकि तुम तो फोन में बात कर रहे थे। नहीं उस टाइम पे तो नहीं कर रहा था, सुबह तो सुबह फिर किया तुमने, प्लीज नहीं किया, किया चाय बिस्कुट खा रहे थे, तब मैंने बोला कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, सिर्फ बिस्किट के साथ ही खाती हूँ चाय, वो तो तुम्हें याद भी नहीं है, क्यों याद रहेगा तुम्हें, तो सिर्फ तुम्हें गर्लफ्रेंड का याद रहा था तब। चलो गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं, ये हम लोग का बात हो रहा है पर कहां से पता नहीं मेरा, तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड का ही याद होता था, मेरा तो कहां याद रहेगा, मैंने वैसा बोला था तुमको, पता है
नहीं पता है, मैं चाय सिर्फ बिस्किट के साथ खाती हूँ, पता था? हाँ वो तो पता है। नहीं तब पता था, मैंने ये जब बोला था, नहीं मैंने ये तब बोला था, तुमको पता था? नहीं वही है तुम्हारा। और हम लोग का शूट उस दिन नहीं हुआ था ना, हम लोग का शूट नहीं हुआ था ना, ये भी हमने किया और गया, हाँ लास्ट में गया और ये लोग उसी दिन वापस आ गए। हमने कितना कन्विंस किया, पर करने की कोशिश की पर नहीं रहा। और मैं रहना चाहती थी वहाँ पर, जो महोदय है आंटी वो जबरदस्ती करके घर लेके गई। मेरा बॉस है, मेरी बॉस ही नहीं, नहीं उस दिन नहीं बैठा, दो ही दिन बस, एक दिन मैंने रखो। माँ खेली थी तब एकदम गुंडनी वाला नागिन का, हम लोग के हम लोग विलेन का आलिया पर ऐसा विलेन, हेलो विलेन, एक विलेन, एक विलेन और ये था इसका बहुत कपड़ा बड़ा ही हूँ मैं वाला, इसका बहुत बड़ा हाथ था पर उस टाइम पे मेरे तो अंदर जोड़े में किन्नर को बैग, जोड़े में किन्नर को बैग, बीर से चू, जाम कंट्रोल करने। तो गैस हम लोग ऊपर से नीचे आ चुके हैं एंड अभी अनीशा हम लोगों को उसका एक्सपीरियंस बताएगा हॉरर का। इसके लाइफ में हॉन्टेड बहुत ज्यादा हुआ है तो आज वही सुनेंगे। तो इसके यहाँ पर जोड़ा है एंड आप लोगों को तो पता ही है जोड़ा में कितना भूत भूत प्रेत होता है, स्पिरिट्स। आज रात नहीं सोएगा, अकेला सोने को बोलो इसको। तो क्या ही सोचो, बोलना तिमीहरूलाई बेडमा सुच्छ भने यहाँनिर दुइटै छ, यो एउटा दुइटा यसमा सुच्छ, यसमा सुत, तर नसुत माथि सुत ल, काम खालि बढ्छ, काम बढ्छ होइन कि यो म्याट भरि कुकुरको बुत्ला छ नि त फेरि है। चलो 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 बोलो न। सो गाइस हुआ ये था कि ये अराउंड 5 years पहले की कहानी है। तो हम लोगों के यहाँ पे हम लोग पीजी रखते थे, तुमको पता है स्टोरी? नहीं पता है। तो पीजी रखते थे और पेइंग गेस्ट में अराउंड 15 स्टूडेंट्स थे, जिसको ये फाइनल टर्म्स का एग्जाम था उसके लिए वो लोग यहाँ पे आए थे 15-20 डेज के लिए, ठीक है। पीजी में रखते थे, ठीक है, स्टूडेंट्स लोगों को, तो कोएड में रखते थे। इट्स नॉट ओनली गर्ल्स या बॉयज, गर्ल्स बॉयज बोथ थे। तो क्या हुआ कि वो लोग रुक रहे थे, एग्जाम हो रहा था, वो लोग पढ़ रहे थे, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो एक दिन मंडे मैच का एग्जाम था, सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे उन लोगों का छुट्टी था, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग घूमने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैच लास्ट एग्जाम था। तो मैं छोटी थी तो वो लोग चले गए, सारे लोग घूमने चले गए बॉटनिकल गार्डन, मेरे घर के ठीक आगे बॉटनिकल गार्डन है। तो बॉटनिकल गार्डन पहले, अभी तो टिकट लगता है, उस टाइम पे फ्री था, तो वो लोग घूमने चले गए। तो ऐसा बोलता है ना कि जंगल में जाके ज्यादा शोर नहीं करना चाहिए। तो वो लोग ने बहुत मस्ती किया वहाँ पे, हल्ला किया और क्या बोलते हैं, पत्ता सब रख के उन लोगों ने जलाया, वहाँ पे आग भी जलाया, काइंड ऑफ बॉन फायर किया। तो उन लोगों ने बहुत बदमाशी किया। तो वहाँ पे एक स्टोन है, ठीक है, स्टोन में एक ऐसा आय का शेप है, तो वहाँ पे स्टोन डालना है, छोटा छोटा पेबल्स हम लोगों को ऐसे डालना है। और बोलते हैं कि 3 times में अगर वहाँ पे स्टोन अगर अटक गया तो वो क्या होगा, गुड विश होगा और विश फुलफिल होगा। तो उन लोगों ने वहाँ पे भी बहुत पत्थर डाला। तो एक लड़की को वहां पे क्या हुआ, कुछ महसूस हुआ वहां पे, ठीक है। तो वो जो पेबल ऊपर से नीचे आया वो एक इंसान को लगा, उसने बोला वो पेबल
का इंसान को लगा भनेर भने रे बुझ्यो हिन्दी बोल्नु नहुन्छ नि त्यसको भाषा बोला बुझिन मैले देखि वो इंसान को पेबल पे लगा भूतको स्टडी यसरी उत्तर लगाउनु हैन ओके सब लोग पत्थर मार रहे थे उस बड़े से पत्थर भी ज्यादा मार रहे थे नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो जो पत्थर गिरा एक लड़की ने बोला कि उस पत्थर ने एक इंसान को मारा बोला लेकिन वहाँ पे कोई इंसान ही नहीं था ओ इंसान ने वो पत्थर ऊपर से मारा नहीं। वो लड़की ने पत्थर मारा लेकिन वो लड़की ने बोला कि वो पत्थर गिर के किसी और किसी और पे लगा लेकिन दूसरा ने नहीं देखा वो कोई था ही नहीं तो वो लड़की वहाँ पे थोड़ा सा साइको हो गया ठीक है वो लड़की वहाँ पे थोड़ा साइको हो गया लोगों को लगा कि वो लड़की मजाक कर रही है तो जब वो चल रही थी वहाँ पे उसने बोला एक अंकल हमें फॉलो कर रहे हैं बोला तो बाकियों ने देखा कोई था ही नहीं तो उसने कहा वो जो अंकल है उसने वो हवलदार क्या बोलते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वहाँ का ड्रेस पहना है और उसका सर नहीं है बोला वो लड़की ने Everybody will think of course कि वो एक joke है तो सब लोगों ने बोला कि मजाक है ऐसा मत करो लेकिन वो लड़की सच में पता नहीं बोल रही थी कि हाँ यहाँ पे है तो लोगों को लगा कि उसे घर ले जाना चाहिए वो थोड़ा सा mental behave करने लगी तो उसको घर में लेके आए ठीक है तो जब ऐसा कुछ होता है तो क्या करते हैं लोग बुलाते हैं किसी इंसान को तांत्रिक वगैरह टू डू सम झाड़ फूक ठीक है तो हम लोगों ने उसी ग्रुप में एक लड़की थी जिसको थोड़ा बहुत ये आता था उसको थोड़ा माता शी वाज समथिंग लाइक अ माता ठीक है तो उसने बोला कि इसको एक बहुत ही बुरा साया आया है और मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं उसको हैंडल कर सकूं तो उसने गिव अप कर दिया ठीक है तो वहाँ पे पता नहीं सब लोग वो लड़की यहाँ पे आके रोने लगी तो उसने कहा कि मुझे भूत दिखाई दे रहा है एक मुंडी नहीं है उसका वो सब में हुआ पता नहीं सच है कि नहीं लेकिन उन लोगों ने ऐसा बोला कि वहाँ पे बहुत उसको परेशान कर रहा है वो बुरा आत्मा ठीक है तो फिर वो लोग घर पे आए तो वो एक दीदी ने बोला कि आई कैन नॉट हैंडल तो वो चली गई उसने बोला इसको इतना डेंजरस बुरा साया है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती उल्टा मुझे ही प्रॉब्लम होगा बोल के शी विथड्रू हरसेल्फ और वो बाहर निकल गई तो एक उसको अचानक वो शीशी स्टार्टेड शाउटिंग एंड ऑल ठीक है तो शाउट कर रही थी बहुत पता नहीं अजीब बिहेवियर कर रही थी सब लोग भीड़ गांव के सारे लोग आ गए और वहाँ पे वो पता नहीं कुछ डिफरेंट लैंग्वेज शी स्टार्टेड टू टॉक डिफरेंट लैंग्वेज फिर एक लड़की थी ओ नहीं एक आंटी आई और उसने बोला ऐसा तो पहले भी हो चुका है ठीक है और ये दिस इज द काइंड ऑफ स्पिरिट जो बॉडी जंप करता है अभी इसके ऊपर है दूसरे के ऊपर भी आ सकता है तो उसने बोला प्रोटेक्ट योरसेल्फ और कुछ क्या बोलते हैं मंत्र वगैरह खुद बोलो और प्रोटेक्ट योरसेल्फ सो दैट सोल डजंट एंटर योर बॉडी तो हमें तो कुछ ज्यादा नहीं आता था तो हमने ओम बुर्बोशा गायत्री मंत्र था वी स्टार्टेड चैंटिंग दैट और वहाँ पे आगे तमाशा हो रहा है ठीक है दूसरे लोग भी आ गए कोई भी हैंडल नहीं कर रहा था उस सिचुएशन को तो भीड़ था ऑब्वियसली ऐसे मोमेंट में साइलेंट ही होता है साइलेंट था सब लोग तो वो आंटी ने बोला सबको ये मैसेज बोलो कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ बोल के अब खुद को जो मंत्र आता है वो बोलो बोल के बोला ना तो मेरे साइड में एक दीदी थी शी वॉज अ क्रिश्चियन ठीक है तो मैं खुद चैंट कर रही हूँ डर लग रहा है इतना सीरियस मोमेंट है मैंने उसके कान में बोला दीदी गायत्री मंत्र बोलना क्योंकि ये बॉडी स्विच होता है बोला उसने बोला मुझे क्रिश्चियन है मुझे नहीं आता है तो मैंने बोला ओम बुर्बोशा तो सबको आता है नॉर्मली सबको ही आता है आप खुद का मंत्र बोलो उसने बोला क्या मुझे नहीं समझ में आया बोला ना तो आई सेड ओम बुर्बोशा तो अच्छा तो बोले आई चैंटेड दैट इन योर ईयर और कल ले गो दैट दीदी लिटरली सर उसको ऑलरेडी इफेक्ट हो चुका था वहाँ पे दो हो गए और that sister's cousin she told will not do anything related to hindu religion to unko unke liye ek pastor bulana pada na church se aake to unko
सबको एक साथ लेके जाना पड़ा खुद खुद के घर में बिकॉज वी कुड नॉट हैंडल सिचुएशन आउट हियर. तो वो जो मेन लड़की थी जिसने वहाँ पे देखा वो देखा हेडलेस वाला देखा उसको उसका दोस्त का जो बुट्टी था वो एक पावरफुल उसके पास नेकलेस था वो उसको पहनाया फिर वो शांत हुई. वो दूसरे दीदी को उसका पेरेंट्स लोग पास ही में थे वो आके ले गए. तो इतना ज़्यादा वहाँ पे लाइक डेंजरस सीन हो गया. तो उसके बाद सब लोग लास्ट एग्जाम ही तो था वो लड़की ने एग्जाम भी नहीं दिया जो उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा और वही था स्टोरी हो गया खत्म. फिर क्या वो ठीक हो गया बाद में ठीक हो गया. उसको तावीज वगैरह पहनाया और मेरा हिंदी सुने रहता मान चेर भी और सुन चला भगवान नहीं अच्छा था हिंदी अच्छा था. तो गाइस ये क्या क्या एक्सपीरियंस किया है मैंने तो ऐसा किया नहीं है करना भी नहीं चाहता. तुमने किया है तुम लोगों को एक स्टोरी था. मैं स्कूल में गई थी मैं स्कूल में ही थी तुम्हें पता भी होगा शायद मेरे घर के आगे एक बड़ा सा नाला है ठीक है गाइस जोड़ा है तो वहां पे एक डेड बॉडी ओ हाँ वो तो तैर के आया था वो तो पता है मुझे मर्डर होके यहाँ तक आया था. लोगों को लगा वहाँ बहुत बारिश हो रहा था तो वहाँ एक अंकल ने देखा उनको लगा एक मैनिक्विन आया है और वो लोग देख ही रहे थे नॉर्मली देख रहे थे. तो एक कुत्ता आया और उसका बाल नोचा तो उसका ये पार्ट निकल गया ना तो उनको डाउट हुआ तो वो जाके वहाँ पे पोक किया उस बॉडी को उनको लगा मैनिक्विन था लेकिन वो मैनिक्विन नहीं था. तो फिर पुलिस को बुलाया फिर सब ये तो पता है इट्स नॉट स्केरी इट्स जस्ट एन इंसिडेंट दैट हैपेंड लेकिन मेरे घर के सामने वो यहाँ पर ही है ये घर के ही सामने हुआ है. ये पेस्ट खा रहा है हम तो डल्ले खाए मुझे क्या फायदा बनता आया तुम्हारा कोलगेट जस्ते ये बीच में से कट सो गाइस ये था अनिशा का स्टोरी. अब मेरा स्टोरी सुनो आप लोग मंजुला चुइंगम मेरे पास हॉरर स्टोरी ही नहीं है ना इसलिए तो मैं तुम लोगों को बोलने के लिए बोला. ओ हाँ हम लोग ने एक एक एक्सपीरियंस किया है पर हम लोग ने लाइक देखा तो नहीं. उस टाइम पे ना वो था श्रेयांशा का बर्थडे टाइम था ना श्रेयांशा का बर्थडे सर्दे मनाया हम लोग नीचे सोने के लिए रूम में चले गए और उसके बाद मैं सो गया और हम दोनों ही सो गए. इसने उस टाइम पे बिरयानी खाया था रात को इसका पेट बहुत दर्द करता था और हम लोग सो रहे थे. ऐसा हुआ था हम लोग सो रहे थे ग्रेसी को बहुत ज्यादा पेट दर्द किया और वो वॉशरूम चली गई. मुझे उठाया जोरेम जोरेम बोल के ये मैं सुना भी नहीं मैं उठा भी नहीं मुझे जितना पता है मैं उठा ही नहीं उस टाइम पे. फिर ये रोने लग गई थी उस टाइम पे और इसने बुला के लेके गया इसके हिसाब से तो तुम बोलो ना फिर तू बोल बोल तू बोल ना मैं तो सोया था ना मुझे नहीं पता है. तो ये उसको बहुत पेट दर्द कर रहा था तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई कि जोरिम नहीं उठा तो उसका बहुत दिल दुखा तो ये वॉशरूम चली गई. तो वॉशरूम में जब बैठी थी तो जोरिम आया तो जोरिम आया और उसको अच्छे से ऐसे उठाया और इसका बहुत पेट दर्द किया था तो ये ऐसे करके बैठी थी तो इसने एक बार भी नहीं देखा ऊपर नहीं देखा. ये बहुत लाइक डिप्रेस थी बिकॉज फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था. तो जोरिम आके जोरिम उठा और जोरिम आके उसका पीठ पे ऐसे किया तो बेड तक लेके गया ना बेड तक लेके गया ये अपने आप बना रहा रुको ना बेड तक लेके गया तो ऐसे देखा तो कोई नहीं था जोरिम तो सोया हुआ था
हमलोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए रहे ना, तो तुम करो ना, बोल रही हूँ तुम्हें। एक अंधेरी रात था, मेरा हाथों में हाथ था, हम लोग सो गए थे। तो ऐसा हुआ था कि लाइक पार्टी हमने कितने बजे तक किया था, शायद 2 बजे तक खोला है ना, 2 बजे तक किया होगा। एंड वहाँ पर एक रूम ऐसा था कि वहाँ पर लाइक अराउंड 5 बेड था, तो सब लोग लाइक हमारा जो बर्थडे का जो भी ग्रुप था वहीं पर ही रहा था, सिर्फ मैं और जोरेम नीचे हमने दूसरा रूम किया था। तो हम वहाँ पर सोने के लिए चले गए क्योंकि मेरा पेट दर्द कर रहा था, तो हम सोने के लिए चले गए और फिर हम सो भी गए थे, लेकिन बीच में ही मेरा नींद खुला और मुझे बहुत पेट दर्द कर रहा था, तो मैंने जोरिम को उठाया और मैं आगे आगे चली, ये भी चला जितना मुझे पता है, ये भी मेरे साथ ही चला और आया। और लाइक जब मेरा पेट दर्द करता है तो मैं ऐसे करके बैठती हूँ ना, तो फिर इसने, मैंने इसको बोला कि पीछे से मेरा थोड़ा मसाज कर बैक में, तो इसने इतना प्रेशर दिया कि लाइक वो ही दर्द करने लग गया, लाइक इतना ऐसा करके कर रहा था ना, तो बहुत दर्द हो गया मुझे। तो फिर मैंने उसे बोला कि अरे आस्ते से करना, बोली मैंने। और फिर जब मैंने पीछे देखा तो ये सो रहा था आराम से, एकदम ऐसा ब्लैंकेट भी ऐसा लाइक की मानो तेरा है जैसे नॉर्मली सोता है डीप स्लीप, नहीं 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 जैसे वो ब्लैंकेट भी लाइक थोड़ा सा भी लाइक वो हाँ हिला नहीं था, लाइक सब एकदम चिटिक एकदम फिट चिटिक का बुच्चा लगा हुआ है, चिटिक मिला हुआ था एकदम जैसे था वैसे ही था लाइक ये। और फिर मैंने इसको उठाने के लिए ट्राई किया, मैं वहाँ पर टॉयलेट में ही बैठी हुई हूँ, लेकिन दरवाज़ा खुला है, तो मैंने ऐसे ही करके देखा तो उधर ये एकदम ही सोया हुआ था। तो और फिर मैं वहाँ से जोरम करके चिल्लाने लगे, फिर नहीं हुआ, फिर मैं उठ के फिर रोने लगी, मैं फिर भी नहीं उठ रहा है ये। तो फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स को कॉल किया और ऊपर से मैंने नीचे बुलाया, और फिर मैं रो रही थी, और फिर मैंने दरवाज़ा खुला तो तब मेरा फ्रेंड्स भी इसको ऐसे करके देख रहे थे, फिर भी ये नहीं उठ रहा था। तो जब मेरे फ्रेंड्स ने इसको जोरिंदा करके उठाया तो तब उठा ये। मैं तो बेहोश होके जैसे सोया था उस टाइम पे, कुछ भी याद नहीं तो है, पर यही है कि इस स्टोरी का वही है कि लाइक कौन था जिसने मेरा बैक को मसाज दिया फ्री में। पर वो प्रेशर, वो जो प्रेशर दिया था वो हाँ। मेरा बल भी नहीं था उतना, तो है ना, तो जनरली ऐसा लग रहा था कि वो सारा फुल बॉडी से ऐसा प्रेस कर रहा है जैसा। तो गाइस द क्वेश्चन इज वो कौन था, और हम लोग का वो भी कोलकाता वाला भी बोल दो ना, वो सिर्फ नॉक किया था पर बाहर देखा तो कोई नहीं था, वो तो शायद इंसान भी हो सकता है। 6 बार जैसा नॉक किया लेकिन कोई नहीं था, ऐसा हुआ फर्स्ट टाइम में हम थोड़ा दूर थे तो हमने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, तो हमें लगा कि शायद चला गया होगा। लेकिन सेकंड टाइम में हम दरवाजे के सामने खड़े थे तो जैसे ही ठक ठक हुआ तो हमने ऐसे खोला तो फिर भी कोई नहीं था। उसके बाद हम लोग डर के नीचे चले गए, हम लोग के दोस्त भी था वो नीचे क्लब में था पर बार में था, हम लोग सोने के लिए ऊपर गए थे, ऊपर आ गए थे, देन फिर से हम नीचे चले गए। गाइस एक 8 साल का बच्चा है, ठीक है, कहाँ है नहीं बताऊं, उधर फिर जब स्टोरी स्टार्ट करते उधर तेती बेला का 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 कर जब खोल गया लला कुड़म कुड़म पन होता हूं। तो गाइस के बंदे है 8 साल का बच्चा, 8 साल का ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही नहीं, उसका हाथ सुन सकते हैं कैटेक कैटेक वाको बाय 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 बस गोड़ा था आप 50 रुपए काट मंदी ना ला बोलो। एक 8 साल का बच्चा था, बच्चा था नहीं बच्चा है, तो उसका सडनली
बिहेवियर चेंज हो गया, ठीक है। तो वो क्या करता था, घर में बोलता था कि आज चिकन पकाओ, तो वो अकेला किचन में घुस के सारा खा लेता था। तो घर में डाउट होने लगा, लेकिन क्या करे, बच्चा है अभी, उसका बॉडी ग्रो हो रहा है, तो घर वालों ने सोचा कि उसका ये एज की वजह से, ठीक है, तो उसको बहुत खाना देने लगे, लेकिन इतना ज़्यादा खाना खाने लगा कि इट वॉज़ लाइक शॉकिंग। तो एक दिन क्या हुआ, वो सो रहा था, अचानक से उठ के अपने बहन को चाकू लेके अटैक कर दिया, ठीक है, अटैक कर दिया। तो उसको पकड़, इतना ज़्यादा शोर, उसके पास इतना ज़्यादा एनर्जी था कि उसका मॉम और डैड दोनों मिलके भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे ही एक अंकल आ गए, उनके पास एक तावीज़ था, तो उसको तावीज़ पहनाने के बाद उसका लाइक एनर्जी डाउन हो गया। तो तब हमें पता चला कि उसके बॉडी में कुछ स्पिरिट है, ठीक है। तो फिर कल से नॉर्मली होता था, और वो रात भर रोता रहता था कि मेरा पैर दर्द कर रहा है, ठीक है, वो पैर दर्द कर रहा है, रात भर रोता था, दिन भर एनर्जाइज्ड, रात भर भी सोता ही नहीं था, और खाना इतना ज़्यादा खाता था, और उसको स्कूल भेजना बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा टेंशन का माहौल हो गया, तो उसको स्कूल भेजना बंद कर दिया। और फिर नेक्स्ट क्या हुआ, उसका भैया उसको घूमने लेके गया, कॉपीराइट तो उसका भैया उसको घूमने लेके गया, और उसने बोला आज मैं KFC का बकेट खाऊंगा। तो भैया उसको लेके गए, KFC का बकेट खिलाया, फिर घर में आके दो मैगी बनाने के लिए बोला, वो मैगी भी खाया, और बोल रहा है खाना भी लेके आओ। तब वो भैया को लगा कि मेरा भाई बेचारा कुछ मांग रहा है, हम दे, लेकिन एक्चुअल में वो खुद नहीं खा रहा था, खुद सूख के बच्चा इतना पतला हो गया है, बच्चा सूख के पतला हो गया, लेकिन खाना इतना ज़्यादा खाता था। तो लास्ट में पता चला, जब उन लोगों का ऐसे झाड़ फूँक किया, तब पता चला कि एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी का सोल, क्या बोलते हैं उसके, आत्मा उसके अंदर घुस गया था, जिसका था चक्कू से घाटी, और उसका पैर भी नहीं था, एक एक्सीडेंट की वजह से उसका पैर नहीं था, तो इसीलिए उसका पैर दर्द कर रहा था। तो एक बार मैं उसी सिचुएशन पे वहाँ पे पहुँच गई, बाप रे, बेड से ऐसे छलांग मारा, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक 8 साल का बच्चा है, और उसको आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट ही वॉज कैचिंग हिज थ्रोट लाइक दिस, एंड ही वॉज सेइंग आई कैन नॉट ब्रीथ, प्लीज़ हेल्प मी। और हमने उसी अंकल को बुलाया, फिर वो तावीज़ ने काम किया। तो अभी उसका लाइक ट्रीटमेंट का प्रोसेस चल रहा है, उसका पूजा पाठ सब कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है कि उनके दे बिलोंग टू अ वेरी लाइक क्या बन सकते गाँव को मानसे रो क्या क्या बन सकते लाइक बहुत ही रूरल एरिया के लोग थे जो यहाँ पे आके सेटल हो गए थे। अंत वो रूरल एरिया के थे बहुत लाइक और यहाँ पे आके सेटल हो गए थे, तो वहाँ का ही भूत उसका पीछा करते 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 यहाँ तक आ गया, और उसकी वजह से पूरा गांव में अभी थोड़ा बहुत स्प्रेड भी हो रहा है, नॉट एग्जैक्टली लेकिन वो बच्चे के। तो गाइज यहाँ पर बहुत ज्यादा गोस्ट स्टोरी सुन लिया है, अब हम लोग सो गाइज दीज आर लाइक रियल स्टोरीज। तो मैं सोच रहा था कि अनीशा को बहुत कुछ पता होगा लाइक हॉरर स्टोरीज के बारे में, तो मैंने पूछ लिया था, बेकार में पूछ लिया, अ लॉट ऑफ गोस्ट स्टोरीज हम लोग को पता चला आज। गाइज हम लोग जा रहे हैं ऊपर सोने के लिए, और आंटी को यहाँ पर सुसु आया।